हेलो एवरीवन, माय सेल्फ गायत्री वाजपेयी। आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू जानेंगे एक्यूरेसी और प्रिसिशन में क्या डिफरेंस होता है और एरर क्या होती है। जनरली हम लोग एक्यूरेसी और प्रिसिशन के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो चलिए हम लोग सीखते हैं। इस स्लाइड में हमें तीन पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। ये पिक्चर्स से हमें देख के समझ में आ रहा है कि ये कोई बोर्ड है जिसमें हमें हिट करना है, वहाँ पे टारगेट करना है। तो वो हम टारगेट थ्रू द गन या थ्रू द बो कैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस फिगर में आप देखेंगे कि ये रेड जोन है, ये पर्पल जोन है, ये ग्रीन जोन है, ये ब्लू जोन है। तो जो शूटर है, शूट कर रहा है, उसको टारगेट जोन जो उसका है वो रेड जोन है, जहाँ पर उसको टारगेट करना है। तो अभी हम बोल रहे हैं कि ये जो पिक्चर है, ये फर्स्ट वन पिक्चर है, इज हैविंग हाई एक्यूरेसी एंड लो प्रिसिशन। इसको सीखने से पहले हम लोग कुछ दो तीन बातों को सीख लेते हैं, जिसे हमें पता चलेगा कि ये क्यों हाई एक्यूरेसी है और लो प्रिसिशन है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या होती है? ट्रू वैल्यू आपकी वो वैल्यू होती है जो जहाँ पर आपको हिट करना, जो आपका टारगेट है कि यहाँ पर हमें जाना है, जो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू है। इस पिक्चर के अकॉर्डिंग हमारा ट्रू वैल्यू जो है वो हमारा रेड जोन है, क्योंकि हमें रेड जोन पर ही हिट करना है। अगर रेड जोन के इधर उधर हिट होता है तो वो ट्रू वैल्यू नहीं है, वो कोई और वैल्यू, वो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू नहीं है। हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू रेड जोन है। पर्पल या ग्रीन या ब्लू, ये सब जोन जो है वो हमारे रिक्वायर्ड नहीं है। देन एक और वैल्यू है मेजर्ड वैल्यू। ओके, व्हाट डज इट मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यू? मेजर्ड वैल्यू का क्या मतलब होता है कि जब वो शूटर शूट कर रहा है तो कभी इधर शूट कर रहा है, कभी इधर शूट कर रहा है, कभी इधर शूट कर रहा है, कभी इधर शूट, कभी इधर शूट, तो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस में वो शूट कर रहा है। उसका टारगेट यहाँ पर था, मगर जब वो शूट कर रहा है तो शूट करने के बाद जो उसका एरो है या जो बुलेट है वो ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस में हिट कर रही है इस बोर्ड को। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस में हिट कर रहे हैं, जैसे पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, 5, तो इनमें जो वैल्यूज आ रही हैं वो वैल्यू हमारी मेजर्ड वैल्यू हो गई। तो जो भी ये 1, 4, 5, ये जो भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं ये मेजर्ड वैल्यू के अकॉर्डिंग हो गए। जैसे हम लोग कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, उसमें हम लोग कोई भी स्पेसिमेन को मेजर कर रहे हैं, तो उसको मेजर करने के बाद हमारी क्या वैल्यू आ रही है, बट वो एक्चुअल स्पेसिमेन है कितना लेंथ का, वो डिफरेंट बात हो गई। तो वो हमारी ट्रू वैल्यू हो गई कि वो आपका स्पेसिमेन का लेंथ है क्या, वो हमारी ट्रू वैल्यू है। बट जब हम उसको मेजर कर रहे हैं बाय यूजिंग रूलर और स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स, तो हमारी क्या वैल्यू आ रही है, तो वो एक डिफरेंट, वो उसको बोलेंगे मेजर्ड वैल्यू। तो ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी। अभी हमें पता करना है कि एक्यूरेसी होता क्या है, प्रिसिशन होता क्या है। तो एक्यूरेसी शो करता है कि हाउ मच यू आर क्लोज टू योर ट्रू वैल्यू, मतलब आप ट्रू वैल्यू के कितने करीब हैं, कितने क्लोज हैं। तो एक्यूरेसी जो है वो आपको डिफाइन कर रहा है क्लोजनेस, कि आप कितना क्लोज हैं अपने ट्रू वैल्यू के। ट्रू वैल्यू हमारा क्या, टारगेट क्या है, हमारा रेड जोन में हमें जाना है, और ये सब मेजर्ड वैल्यू है जो आप हिट कर रहे हो। तो ये जो हिट कर रहे हो, आप कितना अपने टारगेट जोन के जो रिक्वायर्ड जोन है उसके कितने करीब हैं, तो उस क्लोजनेस को एक्यूरेसी कहते हैं। आप जितने ज्यादा करीब हैं उतनी ज्यादा एक्यूरेसी है, अच्छी है। प्रिसिशन क्या कहता है? प्रिसिशन कहता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है कि लगातार बार बार आप कुछ भी कर रहे हैं तो भी आपको सेम चीज मिल रही है, बार बार एक ही काम कर रहे हैं तो आपको वही वैल्यू मिल रही है, चाहे वो गलती क्यों ना मिले, लेकिन हमें वो गलत वैल्यू भी बार बार मिल रही है, तो वो हम कहते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है। जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू को मैं शॉर्ट फॉर्म में टीवी लिख देती हूँ, तो ट्रू वैल्यू जैसे कि आपकी 2.0 mm है, ये हमारी रिक्वायर्ड है, इतने ये जो स्पेसिमेन है कोई, ये मुझे पता है कि वी नो कि इसका लेंथ जो है वो 2 mm ही है, ये हमें पता है, ठीक है। अभी हम इसको मेजर करेंगे, तो मेजर कर रहे हैं थ्रू द रूलर और थ्रू द वर्नियर कैलिपर्स और थ्रू द स्क्रू गेज, कोई भी मेजरिंग डिवाइस यूज कर रहे हैं। तो अगर हमारा मेजर्ड वैल्यू आ रहा है 2.10, 2.11, 2.12, लाइक दिस, इस तरह की वैल्यू आ रही है मेजर करने पे, और एक अदर है उसमें हमारी मेजर्ड वैल्यू आ रही है 2.05, 2.12,
2.5, 2.3, तो इसको बोलेंगे कि इसका प्रिसीजन अच्छा है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट सेम है, मतलब 0.01 और 0.02 के डिफरेंस में है। मतलब ये वैल्यूज आपस में काफ़ी मतलब एक जैसी ही हैं। जैसे इसको अगर हिटिंग पॉइंट मान लो तो ये इधर उधर ऐसी होंगी, एकदम क्लोज होंगी एक दूसरे से, और अगर इनको बोलेंगे तो ये रैंडम होंगी, एक इधर हिट कर रहा तो एक इधर लाइक दिस, दे आर हैविंग बहुत डिफरेंस है, इसमें एक ही जैसा है, तो वो कंसिस्टेंसी। ओके, इन अदर वे आई कैन टेल यू, जस्ट मेजर्ड वैल्यू अगर मेरी आ गई 3.02, तो ये वैल्यू जो आई हैं, ये वैल्यू आपस में तो कंसिस्टेंट हैं, मतलब दे आर वेरी क्लोज, वो आपस में बहुत क्लोज हैं, लेकिन क्या ये ट्रू वैल्यू के क्लोज हैं? नहीं। तो इन वैल्यूज का प्रिसीजन अच्छा है, मतलब ये आपस में तो एक जैसी आ रही हैं, एक जैसी रॉन्ग आ रही हैं, डिफरेंस अप्रोक्सीमेट 1 का ही आ रहा है, 1 mm का, एक जैसी रॉन्ग आ रही हैं, बट एक जैसी रॉन्ग आ रही है। ओके, एंड अगर आपकी वैल्यूज, कोई एक वैल्यू तो बड़ी क्लोज आ गई बट अदर वैल्यूज एकदम रैंडम आ रही हैं, तो वो बोलेंगे कि दिस इज़ नॉट प्रिसाइज्ड, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इससे जो हमने वैल्यू मेजर की है वो प्रिसाइज नहीं है, दिस इज नॉट प्रिसाइज। ओके एंड दिस इज प्रिसाइज, ओके दिस इज प्रिसाइज, इज देयर, ओके, सो दिस इज प्रिसाइज, ऑल्दो इट्स हैविंग रॉन्ग वैल्यू, इट्स वेरी फॉर, मतलब हालांकि ये रॉन्ग है, ये आपके ट्रू वैल्यू से बहुत अलग है, मतलब दिस इज, ये क्लोज नहीं है ट्रू वैल्यू के, लेकिन फिर भी ये अपने आप में कंसिस्टेंसी रख रही है, अपने आप में वो रिपीट हो रही है, तो ये वैल्यूज जो है, ये जिस भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से यूज किया है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपका प्रिसाइज है, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपका प्रिसाइज नहीं है। तो ओके, अभी हम इन फिगर्स में आते हैं, इन फिगर्स में देखो, तो इस फिगर में लिखा है दिस इज हैविंग हाई एक्यूरेसी बट लो प्रिसीजन, तो इसका मतलब क्या हुआ? हाई एक्यूरेसी अगर 0.1 और 4 को देखो, 4 तो रेड जोन में पे ही है और 1 जो है वो रेड जोन के काफ़ी करीब है, तो इन दोनों को देखते हैं तो ये रेड जोन के काफ़ी करीब हैं, तो ये दोनों वैल्यू आपकी काफ़ी क्लोज हैं, अदर जो 2, 3, 4, 5 को भी देखें तो भी वो पर्पल जोन में है, ग्रीन जोन में नहीं जा रही, तो वो भी अप्रॉक्सीमेट क्लोज हैं, तो इन वैल्यूज का, इन वैल्यूज जो मेजर्ड वैल्यू हैं वो काफ़ी क्लोज हैं आपके ट्रू वैल्यू के, तो इसकी एक्यूरेसी तो अच्छी है बट इसका प्रिसीजन अच्छा नहीं है, क्यों? क्योंकि वो हर वक्त अलग अलग आ रही है, एकदम रैंडम सी आ रही है वैल्यूज, तो इसमें कोई एक दो वैल्यू ऐसी है जो हमारी ट्रू वैल्यू की क्लोज है, बट इसका कोई ठिकाना नहीं कि हर वक्त वो एकदम क्लोज ही आए, कुछ भी आ सकती है, तो वो हाई एक्यूरेसी है बट लो प्रिसीजन है। इस अगर हम पिक्चर को देखें तो वो हाई प्रिसीजन विद लो एक्यूरेसी है, अभी इसमें देखें तो इसमें एक ही पोजीशन, ये ग्रीन जोन में जा रहा है, ये रेड जोन से बहुत डिस्टेंस में है, ओके, बट ये हमेशा इसी ग्रीन जोन के ही इर्द गिर्द है, मतलब इसका पोजीशन ये नहीं कि एक ग्रीन जोन में भी इधर आ जाए कि इधर आ जाए कि इधर आ जाए, ग्रीन जोन भी 360 डिग्री का है, तो इसमें ऐसे रैंडम वैल्यूज नहीं दे रहा, वो एक ही पोजीशन में वैल्यू दे रहा है, और बट वो ट्रू वैल्यू से काफ़ी दूर है, तो ट्रू वैल्यू से काफ़ी दूर है यानी क्लोजनेस तो नहीं है, तो इसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, बट चूंकि ये एक ही जगह बार बार वही पोजीशन पे वैल्यू दे रहा है तो इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी है, तो इसका प्रिसीजन हाई है, इसलिए ये हाई प्रिसीजन है बट लो एक्यूरेसी है, बिकॉज इसका क्लोजनेस अच्छा नहीं है बट ये इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी है। फिर थर्ड पिक्चर देखते हैं, तो इसमें हाई एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीजन है, दोनों ही अच्छा है, ये क्लोज भी है ट्रू वैल्यू के और ये हमेशा एक जैसी ही वैल्यू दे रहा है। अभी अब ये देखना है कि क्या अगर हमारी वैल्यू, जैसे इसमें देख रहे हैं कि हाई एक्यूरेसी है बट इसका प्रिसीजन लो है, तो इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को क्या हम करेक्ट कर सकते हैं? तो वो हम कैसे करेक्ट करेंगे, क्योंकि हर बार वो एक रैंडम वैल्यू दे देता है, तो हमें उसको करेक्ट करना मतलब हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है, हम नहीं कर सकते उसको करेक्ट। बट अगर मान लीजिए कि आपका प्रिसीजन अच्छा है, मतलब एक पोजीशन पे है, तो अगर हम इसकी हर वैल्यू को इतना डिफरेंस दे दें, इतने एमएम का डिफरेंस दे दें, तो वो हमारी वैल्यू ट्रू वैल्यू पे मैच कर जाएगी। तो एक इंस्ट्रूमेंट जिसका प्रिसीजन अच्छा है बट एक्यूरेसी नहीं है, तो उसको हम कैलिब्रेट कर सकते हैं, जैसे कि
जैसे कि आपने देखा होगा इन वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स में मैंने आपको बताया था कि इफ बोथ द एक्सटर्नल जॉस, आपके दोनों ये एक्सटर्नल जॉस बोलते हैं वर्नियर कैलिपर्स के, जब ये दोनों क्लोज होते हैं उस टाइम पे जीरो लाइन ऑफ योर वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स की जीरो लाइन और मेन स्केल की जीरो लाइन, ये दोनों मैच करनी चाहिए, ठीक है। अगर ये मैच नहीं कर रही है तो क्या होगा, तो आपका जीरो लाइन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स मान लीजिए यहाँ है और जीरो लाइन ऑफ मेन स्केल मान लीजिए यहाँ पे है, तो ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया राइट हैंड साइड। तो अभी इसमें वैल्यू, जब ये किस पोजीशन की बात हो रही है, जबकि आपके एक्सटर्नल जॉस क्लोज हैं, तो इस समय वो वैल्यू जो भी हम मेजर करेंगे वो उसमें कुछ एरर आएगी, बट सेम टाइप की एरर आएगी। कितनी एरर आएगी, जितना इसका गैप है। मान लीजिए इसका एरर गैप है 0.4 mm, तो हमेशा जैसे कि मान लीजिए कोई एक स्पेसिमेन लिया मैंने जिसका लेंथ है आपका 2 mm, तो वो ये इंस्ट्रूमेंट हमें जितनी बार भी हम मेजर कर रहे हैं हमें वैल्यू 2.4 ही दिखाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि कभी 2.5 दिखा दे, कोई कभी 2.6 दिखा दे, कभी 2.1 ही दिखा दे, तो फिर वो रैंडम हो गई। लेकिन इसका मतलब है कि जो हम वर्नियर कैलिपर्स यूज़ कर रहे हैं वो वर्नियर कैलिपर्स प्रिसाइज है, और हालांकि वो मुझे रॉन्ग वैल्यू दे रहा है क्योंकि ये जीरो शिफ्ट हो गया है तो मुझे रॉन्ग वैल्यू दे रहा है, लेकिन उसको मैं कैलिब्रेट कर सकती हूँ। तो अगर मैं हमेशा 2.4 आ रहा है और मुझे पता है कि 0.4 की इसमें एरर है, तो अगर मैं 0.4 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो हमें अपनी ट्रू वैल्यू मिल जाएगी। लाइक सिमिलरली अगर मैंने कोई 3 mm का यूज़ किया, 3 mm का एक स्पेसिमेन है वो मैंने वर्नियर कैलिपर्स में मेजर करने के लिए रखा, तो उसमें भी हमें क्या आएगा वैल्यू 3.4, तो उसमें भी अगर हम 0.4 डिलीट कर देंगे तो हमें वैल्यू क्या आ जाएगी 3 mm, तो हमें फिर से ट्रू वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर कोई हमारा इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है और एक्यूरेसी नहीं है उसमें, तो हम उसको कैलिब्रेट कर सकते हैं उसमें जितना भी एरर है उसको सब्ट्रैक्ट या ऐड करके, ठीक है। लेकिन अगर मेरा कोई इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज ही नहीं है, तो प्रिसाइज का क्या मतलब, प्रिसीजन जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट में आपकी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे तय होता है। जैसे कि मान लो एक सिंपल सा रूलर ले लो, जैसे कि एक रूलर है, तो रूलर आपका ऐसे दिखता है, 10 mm हो गया, ये 5 mm है और 10 mm इज इक्वल्स टू 1 cm, दैट वी नो। तो ये जो गैप है, पहला गैप जो है वो 1 mm का है, ठीक है, तो ये 1 mm का गैप है। लेकिन कोई मैन्युफैक्चरिंग में इस रूलर को, इस सिंपल से रूलर को ऐसे बना दे कि पहला तो 1 mm के गैप में है, ठीक है, मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग कुछ डिफॉल्ट आ जाए, और दूसरा जो गैप है वो 1.2 mm में बना दे, देन तीसरा गैप फिर से उसको वो क्या करे कि 1.1 mm का बना दे, देन चौथा गैप फिर से वो 1 mm का। तो इस तरह से वो मैन्युफैक्चरिंग अगर डिफॉल्ट कर देता है, तो ये इस टाइप का स्केल से अगर हम कोई मेजर कर रहे हैं, कोई स्पेसिमेन है उसको हम मेजर कर रहे हैं, तो 2 mm जैसे है, तो इसमें अगर हम मेजर करेंगे तो बाय चांस ऐसा हो सकता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट का हमें वैल्यू मैच कर जाए, मगर ऐसा कंपलसरी नहीं है, हर बार हर इंस्ट्रूमेंट के, हर स्पेसिमेन के लिए वो हमें अलग अलग वैल्यू देगा। तो जो प्रिसीजन होता है, जो कहते हैं ये इंस्ट्रूमेंट बड़ा ही प्रिसाइज है, तो जो प्रिसीजन होता है वो इंस्ट्रूमेंट की डिज़ाइन कैसी हुई है, इंस्ट्रूमेंट का मैन्युफैक्चरिंग कैसी हुई है, उस पर डिपेंड करता है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग गड़बड़ है तो ये गैप ही गड़बड़ है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो, उस इंस्ट्रूमेंट को आपको चेंज ही करना पड़ेगा। लेकिन अभी आप ये बोलो कि रूलर में क्या है कि हम 1 mm तक मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, रूलर्स में, ओके, और वर्नियर कैलिपर्स में हम कहाँ तक मेज़र कर सकते हैं, 0.1 mm तक। 0.1 mm जो है वो वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट है, मतलब हम मिनिमम कितना वैल्यू हम उसमें मेज़र कर सकते हैं। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या है, लीस्ट काउंट मतलब अल्पतमांक, तो लीस्ट काउंट है 0.1 mm, तो इसमें स्क्रू गेज में हम मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं, 0.01 mm तक। ऑफ कोर्स ये जो स्क्रू गेज है उसमें हम 0.01 तक वैल्यू मेजर कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स ये वर्नियर कैलिपर से मोर प्रिसाइज है,
और वर्नियर कैलिपर्स आपके रूलर से ज़्यादा प्रसाइज है, क्योंकि इन सब में एक मेन स्केल होता है, तो मेन स्केल तक की तो वैल्यू वो दे ही रहा है, प्लस में वो उसकी भी बात 0.1 तक की वैल्यू आपको देगा, तो और स्क्रू गेज जो है 0.01 तक की वैल्यू देगा। तो आप अगर कहोगे तो स्क्रू गेज इस सबसे अच्छा प्रसाइज है और रूलर सबसे कम, मतलब उसके कंपैरिजन में तो वो प्रसाइज नहीं है, लेकिन दिस इज मोर प्रसाइज, आई मीन वर्नियर कैलिपर्स इज मोर प्रसाइज देन रूलर, स्क्रू गेज इज मोर प्रसाइज देन वर्नियर कैलिपर्स। तो लेकिन अगर हम रूलर इट्सेल्फ को ही, जहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम 0.1 तक की mm तक की वैल्यू को मेज़र करें, अभी हमें बहुत बड़ा सा एक टेबल है उसको मेज़र करना है, तो आप वर्नियर कैलिपर्स लेने नहीं बैठोगे, या हमें एक जगह से दूसरी जगह की डिस्टेंस मेज़र करनी है तो आप स्क्रू गेज से मेज़र नहीं करने लगोगे। तो जहाँ हमें जैसी रिक्वायरमेंट है उसके लिए हम रूलर्स यूज़ कर रहे हैं या इंच टेप मेजरिंग टेप्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो मेजरिंग टेप भी करेक्ट होना चाहिए। अगर वो करेक्ट नहीं है, उसका प्रिसिजन अच्छा नहीं है, वो सही से मैन्युफैक्चर नहीं हुआ है, तो हम उसे करेक्ट वैल्यू नहीं पा सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वर्नियर कैलिपर्स है, जैसे स्क्रू गेज है, हम लोग अपनी लैब में यूज़ करते रहते हैं, तो बहुत बार यूज़ करने की वजह से वो थोड़ा सा हिल गया है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि ये जीरो ऑफ मेन स्केल उसका जीरो ऑफ वर्नियर स्केल से मैच नहीं करता है, थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, जब जबकि एक्सटर्नल जॉस आपके क्लोज हों, उस टाइम की बात हो रही है, तो हम उसको कैलिब्रेट कर सकते हैं, उसको हम प्लस माइनस करके उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके ये जो ये डिफरेंसेस बने हैं वो ही गलत बन जाए, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो, फिर वो इंस्ट्रूमेंट आपके यूज़ का नहीं रह जाता है। तो ये कहेंगे कि दीज आर द गुड बेटर बेस्ट लाइक दैट, द रूलर्स आर गुड, वर्नियर कैलिपर्स बेटर, स्क्रू गेज इज बेस्ट। अगर हम प्रिसीजन में चले जाते हैं कि ये हमें बहुत ही प्रिसाइज वैल्यू देता है, प्रिसाइज मतलब 0.01 तक की वैल्यू दे सकता है, तो जो डिजाइनर होगा, जिसने कभी डिजाइन किया होगा वर्नियर कैलिपर्स, तो उसने बहुत ही प्रिसाइज डिजाइन किया है इन कंपेरिजन टू रूलर, रूलर की अपेक्षा वो प्रिसाइज है, ठीक है, और स्क्रू गेज जो है वो वर्नियर कैलिपर्स के कंपेरिजन में प्रिसाइज है। तो इस तरह से लोग डिज़ाइन करते हैं, जब पहली बार रूलर बना होगा, लोगों को लगा होगा कि हमें 0.1 भी mm निकालना है, तो अभी तो बहुत डिफ़िकल्ट है इसमें छोटी 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 लाइन बनाने को, तो उन्होंने एक अपना फंडा बनाया कि हम कैसे करें कि उसके 9 गैप उसके 10 गैप के बराबर कर दें, तो डिफरेंस हमारा 0.1 बचेगा। तो इस तरह से उन्होंने डेवलप किया होगा, वो भी इजी टास्क नहीं है, वो बहुत बड़ा टास्क है। तो जो डिज़ाइन होता है आपका और जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो आपके प्रिसीजन को तय करता है। तो इसलिए प्रिसीजन ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एक्यूरेसी एक बार करेक्ट की जा सकती है, बट प्रिसीजन करेक्ट नहीं, अगर सही नहीं है तो आपको इंस्ट्रूमेंट चेंज करना पड़ेगा। फिर अब बात आती है आपकी एरर की लास्ट में। तो अभी एक्यूरेसी और प्रिसीजन में मुझे लगता है कि आप लोगों को काफ़ी जो भी प्रॉब्लम है या क्या डिफरेंस होता है वो भी क्लियर हो गया होगा। अभी एरर क्या होती है? एरर जो है, एरर आपकी सिंपली डिफरेंस बिटवीन योर मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इसमें फर्स्ट वन लो और ये जो हमारा इस टारगेट है वो हमारा टू है, जो हमारा ट्रू वैल्यू है वो हमारे मान लीजिए टू है, और जो मेजर्ड वैल्यू है ये फर्स्ट वन के लिए मेजर्ड वैल्यू जो है वो है आपकी 2.1। तो एरर कितनी होगी इस केस में? 2.1 माइनस 2 मीन्स 0.1। फिर आप ये ले लीजिए, इसके लिए अगर हम 2 पॉइंट लें तो 2 पॉइंट का अगर आपका मेजर्ड वैल्यू है 2.5 समथिंग, तो ये फर्स्ट के लिए हो गया, सेकेंड के लिए आपका आ जाएगा 2.5 माइनस ऑफ 2, सो दिस इज हाउ मच, दिस इज 0.1 0.5, ओके। तो जो एरर है, एरर को एक्यूरेसी है प्रिसीजन है वो एक डिफरेंट चीज़ होगी। एरर सिंपली जो भी वैल्यूज आई, जब भी वो शूटर शूट कर रहा है, जहाँ भी शूट कर रहा है, उसका आपके ट्रू वैल्यू से क्या डिफरेंस है वो उसकी एरर है, ठीक है। और जितनी कम है, जितना क्लोज है उतनी कम एरर है। तो अभी ये जो डिफरेंस है वो इसकी एरर है। इसी प्रकार से इसके लिए हम देखें तो ये जो डिफरेंस है वो इसकी एरर है। ये जो अभी यहाँ पे लो तो इन सब की अप्रोक्सीमेट जो एरर आएगी वो सेम आ जाएगी, ऑन एवरेज अगर लेते हैं, और इसमें जो एरर आएगी वो अप्रोक्सीमेट गोज टू जीरो हो जाएगी। इसकी जो एरर होगी वो गोज टू जीरो हो जाएगी, इसकी जो एरर होगी वो अप्रोक्सीमेट सेम रहेगी, अप्रोक्सीमेट मतलब चेंज नहीं होगी।
तो जस्ट लाइक इसमें अगर हम बोलें कि 3 का मेजर्ड वैल्यू है आपका 3.0, देन 4 का जो मेजर्ड वैल्यू है वो आपका है 3.5, लाइक दिस ऐसा है. और इसमें ये सब 3 के ही जोन में आ रहे हैं. और इसका मेजर्ड वैल्यू अगर हम ले इन सभी जो 5 पॉइंट्स हैं तो इनका अप्रोक्सीमेट जैसे कि ले लें कि 4.1, 4.2, लाइक दिस इस टाइप का वैल्यू कुछ होगा. लेकिन सभी वैल्यू 4 पर ही लाई कर रहे हैं, 4 के ही इर्द गिर्द हैं. और यहाँ पर कोई 2 है, कोई 1 है, कोई 3 है, ऐसा है. तो ये रैंडम वैल्यूज हैं और यहाँ पे ये एक जगह की कंसिस्टेंसी है, तो तभी इनको बोला कि ये प्रिसाइज्ड हैं. तो इसकी ऐसी कुछ वैल्यू, तो व्हाट एवर डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू द मेजर्ड वैल्यू. तो इसमें जितने जो भी जैसे कि ये 0.1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो इनमें सब में एरर क्या क्या होगी. अगर 2 जो है हमारी वो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू इज द सेम फॉर ऑल द 3 फिगर्स है ना. तो ट्रू वैल्यू जैसे 2 है तो आपकी एरर पहले वाले के लिए क्या होगी, 4.1 माइनस 2, सो दिस विल बी 2.1. सो ऐसे ही अगर हम सेकेंड वन के लिए देखें तो इसके लिए एरर कितनी होगी, इसके लिए होगी 0.15, इसके लिए कितनी होगी 0.11. तो एरर जो है वो सिंपल डिफरेंस, वो इसमें भी डिफरेंस निकालेगा. इसमें जैसे कि आपकी जो ट्रू वैल्यू है वो आपकी 2 है और मानिए आपके मेजर्ड वैल्यू 1, 2 लिए जो है वो बहुत ही क्लोज होगी, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये बहुत ही क्लोज है. तो और प्रिसाइज भी है तो सबकी वैल्यू एक जैसी ही आएंगी. तो मान लीजिए सबका आ रहा है 2.05, 2.00, 1 वैल्यू इज एट सेंटर भी आ गई. तो इस तरह से हम देख सकते हैं, तो इसमें प्रिसाइज भी है, एक्यूरेट भी है, क्योंकि इसमें अगर हम एरर निकालेंगे तो एरर 0 के ही करीब होगी. तो एरर हमारी जिसमें बहुत कम हो तो वो वैल्यू हमारी बहुत एक्यूरेट हो गई, ठीक है. और हमारी एक जैसी भी आ रही हैं इसलिए वो प्रिसाइज भी हो गई. तो एरर सिंपली आपका डिफरेंस हो गया और एक्यूरेसी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू हो गई, प्रिसीजन कंसिस्टेंसी बता रहा है. तो इस वीडियो में मुझे लगता है कि आप लोगों को अभी क्लियर हो चुका होगा कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस है. अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं. और कोई भी टॉपिक जो आपको लगे कि आपको जानना है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं उस टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक का भी मैं आपको वीडियो बनाकर यूट्यूब में डाल सकती हूँ. और थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए.